हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीन नेट्स। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी सिंपल स्टॉकनेट स्टिच प्लेन वाला पॉकेट, इजी, बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। यही पॉकेट मैंने आपको डिजाइन पे भी बनाना सिखाया है, तो अगर आप वो वीडियो देखना चाह रहे हैं जो कि निटिंग डिजाइन के साथ स्टिच पैटर्न के साथ है, मैंने स्वेटर पे बनाना सिखाया, सेपरेट भी बनाना सिखाई है, तो आप सर्च करें पॉकेट निटिंग बाय क्लीन नेट्स, मेरे चैनल का नाम आगे लगाएं, पॉकेट लिखें तो वो वीडियो निकल आएगी। ग्रीन स्वेटर मैंने बनाना सिखाया है डिजाइन के साथ, वो मैंने, तो वो आप देख सकते हैं। यहां से लेकर यहां तक 5 इंच मैंने बुन लिया है। अब मैंने 5 इंच का हिसाब इसलिए रखा है यहां से लेकर यहां तक, बॉर्डर को काउंट नहीं करना आपने, बॉर्डर के अलावा ये वाला हिस्सा, ये पॉकेट की साइज मुझे इतनी चाहिए, लंबाई पॉकेट की इतनी चाहिए। तो अगर आप पॉकेट को और छोटा करना चाह रहे हैं तो उसको कम रखें, पॉकेट को और बड़ा करना चाह रहे हैं तो उसको और बड़ा आगे बुन लें, लेकिन शेप जस्ट मैं बताना चाह रही हूं कि आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। अभी इसके लिए मैंने 5 इंच रखा है, 5 इंचेस लेंथ आई हैव फ्रॉम हेयर टू हेयर, नॉट द बॉर्डर, फ्रॉम हेयर टू हेयर, लाइक हेयर टू हेयर 5 इंचेस, दिस विल बी द पॉकेट लेंथ। यू कैन इंक्रीज द लेंथ और डिक्रीज इट अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस। 5 इंच लेंथ मुझे मिल गई है। अब मैं पॉकेट यहां पे बनाऊंगी। पॉकेट के लिए कोई भी जो है वो आप सिलाइयां ले लें, कोई भी सिंगल पॉइंट भी चलेगी, यू कैन ऑल्सो यूज सिंगल पॉइंटेड नीडल्स, वट एवर नीडल यू हैव, और इफ यू डोंट हैव एक्स्ट्रा नीडल्स जस्ट पुट दीज स्टिचेस ऑन द स्टिच होल्डर एंड यूज दीज। अगर आपके पास एक्स्ट्रा सिलाइयां नहीं है पॉकेट अलग से बनाने के लिए, तो आप क्या करेंगी, ये वाला जो पीस बनाया है अभी, आप एक्स्ट्रा स्टिच होल्डर पे रख दें या फिर धागे में डाल के रख दें साइड पे, और फिर यही सिलाइयां आप इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि सेम नंबर की सेम साइज की हैं ये। पॉकेट बनाने के लिए सबसे पहले यहां पे आप 20 फंदे डाल लें सिलाई पे, 20 फंदे मैंने डाल लिए हैं सिलाई पे, यहां पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 20 स्टिचेस आई हैव हेयर फॉर द पॉकेट। फर्स्ट रो निट ऑल स्टिचेस, पहली सिलाई सारे फंदे सीधे बुन लें। वी आर गोइंग टू निट स्टॉक नेट स्टिच बेसिकली। रो 1 कंप्लीटेड, पहली सिलाई पूरी हो गई है। रो 2 दूसरी सिलाई, सारे फंदे आपने उल्टे बुन लेने हैं, पर्ल ऑल स्टिचेस। रो 2 पहला फंदा आपने टाइटली खींचना है, सारे फंदे आपने इस तरह से उल्टे बुनते जाना है। दूसरी सिलाई पूरी हो गई है, रो 2 कंप्लीटेड। नाउ रिपीट लास्ट 2 रोज टिल यू हैव 5 इंचेस लेंथ फॉर द पॉकेट। 2 सिलाइयां आप रिपीट करते जाएं, यहां से सारे फंदे सीधे बुनेंगे, राइट साइड से उल्टी, राइट साइड सीधी साइड, उल्टी साइड से सारे फंदे उल्टे बुनते जाएंगे। बस यही आखिरी 2 सिलाइयां आप रिपीट करते जाएं जब तक आपके पास 5 इंच लेंथ नहीं आती, या फिर जितनी आपने पॉकेट की रखी हो उतनी। 5 इंच मैंने लेंथ रखी है, 4.5 इंचेस मैंने इसकी विड्थ रखी है, चौड़ाई रखी है। पे भी देखें, मैंने 5 इंच लेंथ बुना है, मैंने जो आपको समझाया था। अगर आपने बड़ी छोटा रखा है तो लेंथ इसकी आप बड़ी छोटी कर सकते हैं। दूसरा, जो 4.5 इंच विड्थ आ रही है मेरी, वो आ रही है इतने फंदों पे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके 20 फंदे हों, आप अगर अलग साइज की सिलाई और ऊन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको विड्थ चेंज मिलेगी, तो वो आप नापते जाइएगा। देखें, आप इधर नाप के भी ये हिसाब लगा सकते हैं, नाप के कि भाई मुझे 4.5 इंच चाहिए, ठीक है। लेट सपोज 5 इंच चाहिए तो 5 इंच का हिसाब रखेंगे, 6 इंच चाहिए तो 6 इंच का हिसाब रखेंगे। आपको, आप कह रहे हैं कि आपको 4.5 इंच चाहिए, फिर आप ऊपर जाएंगे और यहां से काउंट कर लेंगे। यू कैन ऑल्सो मेजर द विड्थ ओवर हेयर बिफोर कास्टिंग ऑन स्टिचेस, दैट वॉट विड्थ यू वॉन्ट। इफ यू वॉन्ट 4.5 इंचेस विड्थ फॉर द पॉकेट, देन
जस्ट मेजर इट एंड गो अप एंड देन काउंट द स्टिचेस दैट हाउ मेनी स्टिचेस आर कमिंग इन 4.5 inches अकॉर्डिंग टू द नीडल एंड यार्न यू आर यूजिंग। ये इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप खुद कोई भी सिलाई किसी भी नंबर की इस्तेमाल कर रहे हैं साइज की और ऊन, तो उस हिसाब से आप किस तरह साइज को मेंटेन करेंगे ताकि प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि देखें, ये सवाल डेफिनेटली आता है कि भाई हमने भी 20 फंदे डाले थे लेकिन वो तो बहुत छोटा हो गया, हमने भी 25 फंदे डाले थे लेकिन वो तो बहुत बड़ा हो गया, या 20 फंदे डालते बहुत बड़ा हो गया। ये साइजिंग का खेल होता है। मेरी नीटिंग नीडल बाय क्लीड निट्स वाली वीडियो देख लीजिएगा जिसपे मैंने एक्सप्लेन किया है कि नीडल साइज से क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे पॉकेट तैयार हो गया है तो आप ये काट लें धागा, ये वाला, ये देखें, इस तरह से हिसाब लगाएं और इसको डबल कर लें, क्योंकि जब हम सिलाई लगाते हैं तो ज्यादा धागा लगता है, तो इसको डबल करके आप काटें इधर ताकि कम ना पड़े। तो ये हमारा पॉकेट रेडी हो गया है। अब पॉकेट हम इसमें मिलाएंगे। यहाँ पे हम सेटिंग रो बुनेंगे। मैं इंस्ट्रक्शंस में भी लिख दूंगी कि सेटिंग रो कैसे होगी। सेटिंग रो मतलब कि हम ऐड किस तरह करेंगे पॉकेट को इसमें, कि 20 फंदों का ये पॉकेट है तो बीच वाले 20 फंदे हमने बीच में रखने हैं, इधर भी बराबर इधर भी बराबर, तो 18 फंदे मेरे इधर बन रहे हैं, 18 फंदे मेरे इधर बन रहे हैं और बीच में 20 फंदे पॉकेट के लिए। तो 18 स्टिचेस में यहाँ से बुनूंगी, 18 यहाँ से बुनूंगी, उसके बाद पॉकेट ऐड करेंगे। लेकिन ये दिमाग में रखिएगा कि अगर आपके पॉकेट के फंदे 20 नहीं हैं या जितने भी हैं, तो आपने बीच में अपनी साइज के हिसाब से जो भी स्वेटर आप बना रही हैं जिस साइज का भी, बीच में पॉकेट के फंदे जो बीच में रखने हैं सेंटर में, फिर आपके दोनों साइडों से इक्वल रखने हैं, बराबर रखने, फिर चाहे जितने भी बनते हों, वो तो साइज पे डिपेंड करता है ना कि छोटे बच्चे का है, बड़े का, बड़े बच्चे का है, पॉकेट के लिए कितने रखने हैं साइडों से, पर साइडों से बराबर रखने हैं। वो वैसे आपकी मर्जी है कि अगर आप पॉकेट को और पीछे करना चाह रहे हैं तो, लेकिन सिंपल रूल बस यही है कि बीच में पॉकेट, इधर भी बराबर इधर भी बराबर। वी विल प्लेस द पॉकेट इन मिडल एंड वी विल कीप द स्टिचेस इक्वल फ्रॉम बोथ साइड्स वॉट एवर साइज यू आर मेकिंग। I have 18 stitches for this size, 18 stitches for this size and 20 stitches in the middle for the pocket according to this size. Now setting row, we will knit a setting row. So knit 18 stitches as the pattern says. भाई हम 18 फंदे पहले यहाँ पे बुन लेंगे जिस तरह डिजाइन कह रही है। तो जो मैंने यहाँ पे केबल रखी है, अभी मैंने यहाँ पे और सिलाइयाँ सीधी सीधी बुननी है, ट्विस्ट नहीं देना है अभी इधर यहाँ पे मैंने, तो मैं यहाँ पे सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बुनूंगी। सेटिंग रो, निट 18 स्टिचेस एंड फॉलो द स्टिच पैटर्न वॉट एवर यू आर निटिंग। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 फंदे हो गए यहाँ पे। अब 20 फंदे में यहाँ पे एक्स्ट्रा निडल पे डालूंगी। अगर आपके पास एक्स्ट्रा निडल नहीं है तो आप स्टिच मार्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टिच मार्कर भी नहीं है तो धागे भी डाल के रख सकते हैं सुई से। यू कैन यूज एक्स्ट्रा निडल और यू कैन यूज स्टिच मार्कर और यू कैन यूज जस्ट अ यार्न टू प्लेस दीज 20 स्टिचेस। 20 फंदे में यहाँ पे डालूंगी 20 फंदे। क्यों, why 20 stitches? Because we have 20 stitches pocket to add here. 20 pocket के फंदे, इसलिए जो है मैंने 20 फंदे एक्स्ट्रा सिलाई पे डालने हैं यहाँ पे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 20 stitches। ये वाले जो 20 फंदे हैं वो भाई आपने बुनने हैं इसके साथ, सीधा सीधा बुन लें सिर सिंपली। ये देखें, इसको थोड़ा सा टाइट रखें, ये जो पॉकेट के साथ वाला जो धागा है काटा है हमने सीने के लिए, और इसको ऊपर रखेंगे, ठीक है। ये देखें, ये वाला जो धागा है ना जिससे मैं बुनाई करती आ रही हूँ, उसी धागे से हम इसको भी बुनेंगे। वी विल निट दीज 20 स्टिचेस विथ दिस वर्किंग यार्न। और ये देखें, काफ़ी लूज होगा पहला फंदा आपका, तो आपने क्या करना है, इस तरह इसको पकड़ के और बहुत टाइटली खींच लेना है, क्योंकि जाहिर बात है यहाँ पे धागा है एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ, तो जिसकी वजह से वो लूज हो जाता है। वो बाद में आप जब सियेंगे तब भी आप इसको खींच सकते हैं, लेकिन बेटर कि आप खींच लें। तो 20 फंदे ये सीधे सीधे बुन लें आप।
तो यहाँ पे देखें कितने फंदे हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ना 18 स्टिचेस फ्रॉम हेयर एज वेल, निट देम ऑल। यहाँ पे भी 18 फंदे हैं हमारे पास, तो ये सारे आप सीधा सीधा बुनते जाएंगे। अठारह फंदे सीधे बुन लिए, अब इन फंदों को आप आगे कर लें। सेटिंग रो तो कंप्लीट हो गई, डन विद द सेटिंग रो। अब रिटर्न रो जिस तरह डिजाइन होगा आप उस तरह बुनेंगे। ये अगर जैसे कि प्लेन है तो ये सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे, ये दो सीधे दिख रहे हैं, ये दो सीधे दिख रहे हैं, इनको सीधा बुनेंगे फिर ये उल्टे। नेक्स्ट रो रिटर्न रो रॉन्ग साइड, निट द पैटर्न डिजाइन एज इट इज, सो पर्ल दीज ऑल स्टिचेस। ये सारे फंदे आपने उल्टे बुन लेने हैं, ये पॉकेट वाले भी साथ। सारे फंदे हमने उल्टे बुन लिए हैं, ऑल द पर्ल स्टिचेस, बट हियर निट टू स्टिचेस एंड देन निट पर्ल टू स्टिचेस, निट टू स्टिचेस। अब क्या यहाँ पे आपको दो सीधे दिख रहे हैं, केबल में जैसे कि मैंने आपको बताया है कि रॉन्ग साइड से आपने सीधे को सीधा उल्टे को उल्टा बस बुन लेना है। आप थोड़ा सा इसको ऊपर बुन लें ताकि आपको पॉकेट का बॉर्डर सीने में भी आसानी हो और पॉकेट सही से शेप उसका आ जाए। ये भी कर सकते हैं कि पूरा फ्रंट आपने बुन लिया और उसके बाद आप आखिर में ये करें, ये भी कर सकते हैं। तो मैं इसको बुन लेती हूँ, आप चाहें तो बस इतना इसको बुने डिज़ाइन को, स्वेटर को आगे, और फिर पॉकेट सीए और बॉर्डर यहाँ से सीके उसको भी साथ में सी लें। इट इज टोटली अप टू यू दैट फिनिश द होल फ्रंट पार्ट एंड देन स्टिच द पॉकेट एंड निट द बॉर्डर, पॉकेट बॉर्डर हेयर। फ्रंट का एक पार्ट कंप्लीट हो गया है, अब इसका हम पॉकेट फिनिश करेंगे। पॉकेट फिनिश करने के लिए देखें, आप एक्स्ट्रा आपके पास सेम साइज की सिलाइयां हो ना नंबर की तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप सेम जो आपने स्वेटर सीने के लिए सिलाई इस्तेमाल की है तो जब हमारी साइड फिनिश हो जाएगी तो वो सिलाइयाँ भी आपके पास होंगी, तो आप वही सेम सिलाइयाँ जो है इस्तेमाल कर सकते हैं पॉकेट को फिनिश करने के लिए। तो अब हम यहाँ पे पॉकेट फिनिश करेंगे, हम ये जो फंदे हैं वो इस सिलाई पे वापस डाल लेंगे। फंदे वापस सिलाई पे डाल दिए हैं, अब हम एक सीधे एक उल्टे फंदे वाला बॉर्डर बुनेंगे यहाँ पे पॉकेट के लिए बॉर्डर। यहाँ पे हमने दो सीधे दो उल्टे वाला बॉर्डर बुना है, आप चाहें तो यहाँ पे भी वो बुन सकते हैं, लेकिन मैं एक सीधे एक उल्टे वाला बॉर्डर बुनूंगी। नेट वन इंटू वन रिब बॉर्डर फॉर द पॉकेट हेयर। रो वन पॉकेट बॉर्डर के लिए पहली सिलाई पॉकेट के बॉर्डर के लिए, रो वन फॉर पॉकेट बॉर्डर, नेट वन पर्ल वन ऑन ऑल स्टिचेस। ये देखिए इस तरह से धागा मिलाएंगे, एक फंदा सीधा, पहले फंदे को खींचिएगा थोड़ा जोर से वरना लूज हो जाएगा, इसको यूं पकड़ें इधर पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे करके एक उल्टा, एक फंदा धागा पीछे करके सीधा एक उल्टा। अगर यही एक सिलाई रिपीट करते जाएंगे जब तक आपको बॉर्डर की लेंथ जो आपको चाहिए पॉकेट बॉर्डर के लिए उतनी नहीं मिलती। आप छोटी बड़ी अपने हिसाब से कर सकते हैं कि पॉकेट की बॉर्डर की लेंथ आपको कितनी चाहिए, मैं आपको नाप के दिखाऊंगी। रिपीट रो वन फॉर योर डिजायर्ड लेंथ
फॉर पॉकेट बॉर्डर। लेट मी शो यू वन मोर टाइम टू हेल्प बिगिनर। मैं बिगिनर की हेल्प के लिए एक दफ़ा और करके दिखाती हूँ। पहले फंदे को आपने टाइट बुनना है, हमेशा याद रखिएगा वरना लूज हो जाएगा। एक फंदा सीधा, एक उल्टा, निट वन पर्ल वन, इसी तरह सारे फंदे बुन लें। वन इंच लेंथ आई हैव फॉर पॉकेट बॉर्डर, एक इंच सिलाई के नीचे से। अब हम क्या करेंगे, फंदों को बंद करेंगे। वी विल बाइंड ऑफ स्टिचेस, वी विल डू रिबिंग बाइंड ऑफ। यहाँ पे हम रिबिंग बाइंड ऑफ करेंगे, उसमें आपने सीधे फंदे को सीधा बुनना होता है और फिर उल्टे फंदे को आपने उल्टा बुनना होता है और उनको बंद करते जाना है। नेट ऑन नेट स्टिच, पर्ल ऑन पर्ल स्टिच एंड कीप क्लोजिंग देम। हम क्या करेंगे, इसको बैक साइड से सीएंगे। इसके लिए मैं थोड़ी सी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी ताकि बिगनर्स को हेल्प हो। यहाँ से इसको इस तरह सीएंगे। आपके पास यहाँ से धागा हो तो यहाँ से भी आप शुरू कर सकते हैं, यहाँ से भी आप शुरू कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे। सिंपल तरीका है इसको सीने के लिए, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगी इस चीज़ को। अब पहले हम मार्क कर लेंगे, निशान लगा लेंगे कि कहाँ से लेकर कहाँ तक इसको सीना है। तो 18 फंदे स्टिचेस इस तरफ थे, 18 फंदे इस तरफ थे, तो बीच वाले 20 फंदों को हमने निशान लगा देना है यहाँ पे धागे से, ताकि हम जब सीएं तो हमें पता हो हम इधर उधर ना कर दें। तो यहाँ से आप काउंट भी कर सकते हैं, ये है यहाँ पे देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 यहाँ पे। मार्किंग कर लिए हमने, निशान लगा दिया है। अब इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ कहाँ हमने इसको सीना है साइड से, क्योंकि अगर बिना निशान लगाए हुए अगर आपने सीना शुरू कर दिया तो आप आगे पीछे कर सकते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है, पहले तो आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक सीएं और आखिर में यहाँ पे बॉर्डर ऊपर इधर सीएंगे, पर आपके पास एक और भी ऑप्शन है कि आप पहले अंदर की तरफ जाएं, इस तरफ राइट साइड पे आए और पहले बॉर्डर की यहाँ पे साइड सी लें इधर। अब यहाँ पे आप चाहें तो आगे ऊपर भी निशानी लगा सकते हैं धागे से, बट मुझे अब अंदाजा है कि ये देखें ये वाली लाइन है। तो सिंपल आपने क्या करना है, ये वाली लाइन यहाँ से आपने ये लूप लेना है और बिल्कुल इसके ऑपोजिट में ये जो बॉर्डर जहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ से आप मिलाना शुरू करेंगे। यहाँ से ये देखें, अगेन फिर से मैं आपको करके दिखाऊंगी कुछ दफ़ा। ये देखें यहाँ से भी ले और यहाँ से भी,
से बैक साइड से मिलाएंगे, वहां से हमने राइट साइड से मिलाया, यहाँ से हम बैक साइड से मिलाएंगे। तो धागा ये देखें, यहाँ से आप एक लूप लेंगे और यहाँ से भी आप लूप लेना है, वन फ्रॉम दिस साइड, वन फ्रॉम दिस साइड। पॉकेट हमारा रेडी हो गया है। अब जितने भी धागे बचेंगे ना, वो हमने बैक साइड पे लेके जाने हैं, रॉन्ग साइड पे वेव इन कर देना है। तो मैंने आपको एक करके दिखाया कैसे, बाकी आपने वेव इन कर लेने हैं सारे उसी तरह से। पहले इसको आपने बैक साइड पे लेके जाना है, बैक साइड पे, ठीक है, स्वेटर की उल्टी साइड पे। फिर उसको आपने वेव इन कर देना है, थोड़ा से नीचे जाके करें क्योंकि यहाँ पे हमने किया वेव इन। ये देखें, इस तरह से आप वेव इन कर लें इसको, और सारे जितने भी धागे बचे हों। पॉकेट्स हमारे यहाँ पे रेडी हो गए हैं। सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्प हुई हो आपकी। अगर ये कंप्लीट स्वेटर आपने बनाना है तो इसका डिफरेंट सेपरेट ट्यूटोरियल होगा, वो देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।